हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुमिर मैकर और आप देख रहे हैं सुमिर मैकर इट इज़ एट रिपेयरिंग चैनल। तो हमारे पास देख सकते हैं दोस्तों, ये ई रिक्शे का मोटर आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 48 बोल्ट 1000 वाट। इसका दोस्तों डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 1000 वाट का ये मोटर है। तो दोस्तों इसका दोस्तों फुल बेंडिंग करना है। तो इसका दोस्तों पेपर जो है और थोड़ी सी पेपर हमने फोल्ड करके रखा है और इसी तरह हमने लाल काली से हमने मार्क लगा कर रखा है क्योंकि फोल्ड करने में आसानी होता है। तो देखिए किस तरह से इसको फोल्ड करना है। इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और फिर इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे, फिर हम नीचे की तरफ फोल्ड करके चलेंगे। ये भी हम नीचे की तरफ ही फोल्ड करके चलेंगे दोस्तों। फिर से हम इस तरफ घुमा लेते हैं और उसके बाद दोस्तों ये इस तरफ फोल्ड करना है, फिर नीचे की तरफ फोल्ड करना है और लास्ट वाला नहीं, कम्प्लीटली हो गया है हमारा फोल्ड करना। इसी तरह दोस्तों डाल लेना है। इसी तरह डाल देना है दोस्तों। ये पीवीसी पेपर, ये 7 नंबर पेपर है दोस्तों। तो इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। पहले इस तरफ मोड़ लेना है पेपर को और दूसरे जो अब ये जो निशान देख रहे हैं इसको नीचे की तरफ दबा देना है। इसी तरह फिर इसको नीचे की तरफ दबाएंगे। क्योंकि ये दाग लगाया जो हमने ये नाप लेकर, ये जो स्टेटर की जो खासे देख रहा है ये दाग, ये नाप लेकर हमने इसमें कलम से मार्क लगाया है। तो फोल्ड करने में आसानी होगी, एक्यूरेट हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसको भी डाल देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितनी बढ़िया तरीके से स्लॉट के अंदर बिठा दिया है हमने, बहुत बढ़िया फिनिशिंग आया है। तो दोस्तों इसका जो वायर हमने लपेटेंगे इसमें, इसका दोस्तों वायर का गैस का नंबर है दोस्तों 25 नंबर, 25 वायर को हमने एक साथ किया है दोस्तों। 25 वायर को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 25 वायर है। ये एक मान लेंगे हम, 25 वायर को एक साथ मिलाकर हम एक मान लेंगे। तो इसमें दोस्तों
हमने वायर लिपटा है, इसमें एक कॉइल बनेगा दोस्तों लगभग 3.5 मीटर हमने इसमें माप कर रखा है एक कॉइल का। 3.5 मीटर वायर इसमें लगेगा नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर रखा है क्योंकि अगर कमती होगा तो दिक्कत हो सकता है। तो इसी तरह वायर को हमने एक साथ कर दिया है। और दोस्तों इसमें जो ये RR कंपनी का वायर है हमारा पास, खैतान या भवानी या जेके कोई उसमें, वो तीनों वायर हमने इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि RR कंपनी का हम डालेंगे। वो बहुत सॉफ्ट होता है और डालने में दोस्तों थोड़ा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये मोटर आया है हमारा पास, एक मैकेनिक भाई ने लेके आया है। तो उसका पास वही मोटर बनाता है, लेकिन उसका पास वायर नहीं था तो हेल्प के लिए हमारा पास आया है। तो उसने बोला है तो आप ही बना कर दो, तो इसीलिए हम ये वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि इसमें वायर लपेटना हमारा काम है और दूसरे सेंसर लगाना और जो बाहर का जो इनर वायर, 3 इनर वायर रहता है वो हम लगा कर आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये मैकेनिक भाई लेके आया है। तो दोस्तों हम बेंडिंग करना स्टार्ट करते हैं। 2 स्लॉट में पेपर डाल के रखा है हमने। ये जो हमारा इनर वायर हम हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ ही रखेंगे। इतना ही लंबा रखेंगे इसको। इस तरफ घुमाएंगे, इस तरफ घुमाएंगे हम, इस तरफ राइट साइड की तरफ हम घुमाकर लेंगे। तो दोस्तों कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो कॉइल तो इसी तरह बिठाएंगे हम क्योंकि ये मोटर में इसी तरह ही बैठता है। इसमें दोस्तों 6 टन डालना है। हमारा 1 टन कंप्लीट। टन
तो दोस्तों हमारा 6 टन कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों बीच में एक स्लैब खाली छोड़ना है। तो हमारा 2 कॉइल डालकर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। वीडियो थोड़ा स्किप कर देंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा वीडियो, इसीलिए थोड़ा स्किप करके हम चलाएंगे वीडियो को। फिर से हम एक स्लॉट खाली छोड़ के 2 स्लॉट में पेपर डालना है। तो दोस्तों हमारा जो ये इनर वायर यहाँ से घूमकर ये आउटर निकला है और आउटर जाएगा दूसरे कॉइल की साथ जुड़ा हुआ, फिर यहाँ से घूम के फिर यहाँ से निकल के आएगा, फिर ये कॉइल हमारा जाएगा इस तरफ घूम के यहाँ पे आएगा। तो इसी तरह हम रिबंडिंग करते चलते हैं। एक कॉइल बिठाकर हम आपको दिखाते हैं।
दोस्तों हमारा ये हो गया कंप्लीट, एक कॉइल डालकर अब इसको वायर को हम काट देंगे। तो हमारा एक कॉइल कंप्लीटली हो गया, तो वायर को हम काट लेते हैं। दूसरे कॉइल दोस्तों स्टक करना है यहाँ से, ये जो हम ऊपर एक सिरा छोड़ के यहाँ से स्टक करेंगे। फिर दोस्तों वही राइट हैंड की तरफ घुमाना चाहिए, घूमकर लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा। तो दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम वायर को नीचे की तरफ दबाएंगे। Thank you.
सारा दोस्तों हमारा 6 टन कंप्लीटली हो गया। फिर से दोस्तों एक स्लॉट बीच में खाली छोड़ेंगे। तो दोस्तों हम इस कॉइल भी डालकर हम आपको दिखाते हैं कंप्लीट करके। तो हमारा साइड 6 टन कंप्लीटली हो गया। लगभग हमारा 2 कॉइल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों डालना है तीसरा कॉइल। Thank you.
तो तीसरा कॉइल का सिरा, जो इनर का सिरा, इस वाले पे आएगा, डबल हो जाएगा सिरा, इस वाले पे आएगा। स्क्रू ड्राइवर मदद से हम इसको थोड़ा दबा कर देंगे, क्योंकि दूसरा कॉइल आने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों इसी तरह हमारा लास्ट वाला कॉइल डालने जा रहे हैं हम। रात के वक्त काम हो रहा है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा क्लियर करना मुश्किल है कैमरा को। तो एक टर्न हमारा हो गया, तो दोस्तों हमारा कम्प्लीटली बैंडिंग का काम कम्प्लीट हो गया है, देख सकते हैं। तो हमारा सिरा बाहर निकल गया है, तीन तीन सोई, तीन कॉइल का सोई सिरा बाहर निकल के आता है। तो दोस्तों इस सोई का कुछ इस ऐसे नज़ारा है, और इस साइड का कुछ ऐसे नज़ारा है। तो दोस्तों हमारा बैंडिंग का कंप्लीट हो गया है। अभी दोस्तों इसमें पेपर काटेंगे और इसमें और एक पेपर डालना है। तो हमारा तो काम कम्प्लीटली हो गया है। अब कनेक्शन करेंगे और पानी डालकर सुखाएंगे, तो यही हमारा काम है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई न्यू वीडियो देखने के लिए, बेल आइकन भी दबा दो। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।